नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे पैनक्रियाटाइटिस के विषय में। पैनक्रियाटाइटिस जो कि एक बड़ी गंभीर समस्या होती है, क्योंकि पैनक्रियास वो ग्लैंड है जो आपके बहुत सारे वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जिसमें कि शुगर का एसिमिलेशन एक फंक्शन है। पैनक्रियास एक ग्लैंड होता है हमारे बॉडी का, जो हमारे स्टमक के पीछे की तरफ लोकेटेड होता है और यह थोड़ा बड़ा होता है और बहुत वाइटल होता है। तो जब इसमें स्वेलिंग आ जाती, सूजन आ जाती है, उसी स्थिति को पैनक्रियाटाइटिस कहते हैं। यह एक्यूट भी हो सकती है, क्रॉनिक भी। एक्यूट होती है तो कुछ दिन आपके 2-4 दिन पेन रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। क्रॉनिक रहती है तो यह पेन सालों आपके उठता रहता है और आपको बहुत तकलीफ में लाता है। हम आपको बताएंगे पैनक्रियाटाइटिस को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, वो दवाएं जो आपको लाभ देके इस समस्या से निकाल देंगी। सबसे पहले साथियों, जान लेते हैं कि पैनक्रियाटाइटिस होती क्या है। पैनक्रियाटाइटिस साथियों, आपका स्टमक के पीछे लोकेटेड होने वाला ग्लैंड पैनक्रियास की सूजन को कहते हैं। तमाम स्थितियों के कारण यह सूजन हो जाती है, लेकिन जब यह सूजन हो जाती है तो यह आपको बहुत तकलीफ देती है और बहुत सारा पेन आपके अपर एब्डोमेन में होता है। इसके सिम्टम्स को जान लेते हैं साथियों। सिम्टम्स जैसा कि हमने आपको बताया कि जब भी आपके पैनक्रियास में सूजन आती है तो स्टमक के पीछे, क्योंकि ग्लैंड होता है तो आप स्टमक के आगे यहाँ पर और बैक में पीछे की तरफ, यह आपको बहुत पेन देता है। यह फार मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। साथ में रैपिड पल्स हो जाती, फीवर हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, इस तरह का लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, इस तरह के तमाम सिम्टम्स होते हैं। इसके कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। इसका कारण बड़ा पिक्यूलियर होता है। इसका कारण साथियों यह होता है कि जब आपका पैनक्रियास में नॉर्मली डाइजेस्टिव जूसेस एंजाइम सिक्रीट होती हैं और सिक्रीट होके वह बाहर जो है वह पैनक्रियास के बाहर आपके स्टमक और आपके इंटेस्टाइन में काम करती हैं, लेकिन कभी कभी स्थिति ये होती है कि वो एंजाइम्स आपके पैनक्रियास से बाहर नहीं आ पाती हैं और पैनक्रियास के अंदर ही वह एक्टिव हो जाती हैं और पैनक्रियास को डैमेज करने लगती हैं। तो फिर स्कैरिंग ऑफ द टिश्यू होता है और फिर बॉडी उसको रिपेयर करता है, फिर एंजाइम डैमेज करती है, फिर बॉडी रिपेयर करता है। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे आपका पैनक्रियास सूजता जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। यही स्थिति पैनक्रियाटाइटिस की स्थिति होती है। हम आपको बताएंगे पैनक्रियाटाइटिस को दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, वो दवाएं जो आपके यहाँ जो पेट में बहुत तेज़ होने वाला दर्द है इसको ख़त्म कर देंगी, आपके पैनक्रियास को सूजन को ख़त्म कर देंगी। दवाएं साथियों इस तरह हैं कि इन दवाओं के माध्यम से, सिम्टम्स के डिस्कशन के माध्यम से प्रयास है डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक का कि आपको आपकी बात का दवा के फॉर्म में जवाब मिल जाए, जैसा हम हर वीडियो में कहते हैं। यही प्रयास है इसका, आपको उसकी जानकारी हो जाए। दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लीजिएगा, लेकिन नॉलेज इस पावर, तो नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, बाकी आपके सिम्टम के हिसाब से आपका चिकित्सक आपको प्रॉपर दवा बताएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं पैनक्रियाटाइटिस को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, पैनक्रियाटाइटिस के साथ के तुरंत आराम के लिए होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है बेलेडोना। बेलेडोना नंबर एक दवा है पैनक्रियाटाइटिस की, जो आपको तुरंत आराम दे दे। आपका जो पेन हो रहा है, आपके अपर एब्डोमेन में जो पेन हो रहा है, उसमें वह तुरंत आराम दे दे, तो इस रोल में बेलेडोना बिल्कुल फिट बैठती है। तो अगर आपके पैनक्रियाटाइटिस की स्थिति है तो आप बेलेडोना को अपने घर ज़रूर रखें, उसका 200 पावर अपने घर रखें। जब भी अगर आपके पेन हो तो आप 2-2 बूंद उसकी हर 2 घंटे पे पेशेंट को तब तक दे दें जब तक उसको पेन में आराम न मिल जाए। एक और दवा साथियों होम्योपैथी में बहुत कारगर है कि जब बच्चे छोटे बच्चे हैं उनके पैनक्रियाटाइटिस है और वो लगातार उनका वेट लॉस होता जा रहा है, तो अगर यह स्थिति है कि वो लगातार वेट लॉस होता जा रहा है और बहुत दुबले पतले हो गए और पैनक्रियाटाइटिस है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा बराइटा म्यूरेटिकम है। बराइटा म्यूर 32 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में दे सकते हैं कि जब मरीज को बिल्कुल दुबला पतला हो गया है और उसको
जो है उसका माइंड भी अनडेवलप्ड है और उसका शरीर भी अनडेवलप्ड है और उसके पैनक्रियाटाइटिस है। तो बोथ ड्वार्फिशनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड, बेसिकली ज़्यादा बॉडी अगर अंडर डेवलप्ड है पैनक्रियाटाइटिस के कारण, तो उसका ड्रग ऑफ द चॉइस, उस बच्चे का ड्रग ऑफ द चॉइस बराइटा म्यूरियाटिकम है। यह दवा लेके आप उसका डेवलपमेंट को भी रैपिडिफाई कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं रैपिडली, और उसको आप ठीक भी कर सकते हैं उसकी इस समस्या को पैनक्रियाटाइटिस की। एक स्थिति आती है साथियों कि आपके पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है पैनक्रियाटाइटिस के कारण कि ना आप कुछ खा पा रहे हैं ना कुछ आप पी पा रहे हैं, और आपको आगे झुकने से पेट दर्द में आराम मिल रहा है। तो अगर यह स्थिति आपके हो, आपके पैनक्रियाटाइटिस हो और आपको आगे बेंड करने से झुकने से आराम मिलता हो उस बहुत ज़्यादा पेन में, तो उसको ठीक करने की और वह दवा है कोलोसिंथ। आप कोलोसिंथ 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, इससे आपका पैनक्रियाटाइटिस भी ठीक होगा और जो आपका सिम्टम है कि आगे झुकने से आपको आराम मिला, पेट के ऊपरी हिस्से में जो आपके दर्द हो रहा है उसमें आगे झुकने से, बेंडिंग फॉरवर्ड से आपको आराम मिला, तो कोलोसिंथ वह दवा है जो आपको इस मापदंड पे आराम देके आपको पैनक्रियाटाइटिस में रिलीफ दे देगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है पैनक्रियाटाइटिस में कि पेट में हर समय ऐसा दर्द बना है कि मरीज कपड़े भी नहीं पहन पा रहा है, पेट पे वो पैंट अपनी टाइट नहीं कर पा रहा है, इतनी टेंडरनेस है। तो अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की, पैनक्रियाटाइटिस को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और वह दवा है स्पॉन्जिया टोस्टा। अगर आपके पेट में पेन लगातार बना हुआ है और टेंडरनेस बहुत ज़्यादा है, तो आप स्पॉन्जिया टोस्टा 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार मरीज को देकर पैनक्रियाटाइटिस में लाभ प्राप्त कर सकते हैं और समस्या से निकल सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है पैनक्रियाटाइटिस में कि आपको वॉमिटिंग भी हो रही, उल्टी भी आ रही, आपके डायरिया भी हो रहा है, यानी कि आपके मोशन भी हो रहा है। तो अगर यह स्थिति आपके हो कि आपके वॉमिटिंग भी हो रहा हो, आपके डायरिया भी हो रहा हो और आपको पैनक्रियाटाइटिस हो, तो उस स्थिति में पैनक्रियाटाइटिस को दूर करने की बहुत कारगर दवा है आर्सेनिक एल्बम। आप आर्सेनिक एल्बम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं उस स्थिति में जब आपको वॉमिट हो रहा हो, जो कि हरा हो, हरापन जिस लिए हो, आपको डायरिया हो रहा हो और आपको एंजाइटी यानी बेचैनी बहुत हो और आपकी तकलीफें रात में 12 से 2 के बीच में बढ़ रही हों, तो अगर यह सिम्टम आप में हैं और साथ में आपको प्यास लग रही हो थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो बहुत अच्छी दवा आर्सेनिक एल्बम है। यह दवा फूड पॉइजनिंग की भी बहुत अच्छी दवा है। आप इस दवा को लेकर पैनक्रियाटाइटिस, अपने पेन, डायरिया और वॉमिटिंग को ठीक कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों पैनक्रियाटाइटिस में कि मरीज़ को भूख बहुत ज़्यादा लग रही, वो खा भी बहुत ज़्यादा रहा है लेकिन वो और दुबला होता जा रहा है और उसको प्यास नहीं लग रही है। तो अगर यह स्थिति हो कि उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती हो लेकिन वो दुबलाता जा रहा है और पैनक्रियाटाइटिस उसको डायग्नोज हुआ है, तो उस स्थिति को, पैनक्रियाटाइटिस को ठीक करने की और इस सिम्टम को ठीक करने की बहुत अच्छी दवा होम्योपैथी में है आयोडम पूरम। आप आयोडम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर ऐसे मरीज को दे दें, आप देखेंगे कि उसकी खुराक जो थी वो तो है लेकिन उससे उसकी सेहत बनने लगी। आयोडम के मरीज को जनरली गर्मी बहुत लगती है, वो गर्म होता है और दुबला पतला होता है, तो आयोडम बहुत कारगर दवा है उस स्थिति से उसको निकालने की, उसके पैनक्रियाटाइटिस को ठीक करने की और उसको स्वस्थ करने की। एक स्थिति आती है साथियों पैनक्रियाटाइटिस में कि आपके बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो, बहुत ज़्यादा बर्निंग आपके हो रही हो, तो अगर यह स्थिति आपके है कि आपके बहुत ज़्यादा जलन हो रही, बर्निंग हो रही है और आपके पैनक्रियाटाइटिस है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा आयरिस वेसिकुलर है। आयरिस वेसिकुलर 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके जलन बहुत ज़्यादा हो रही हो, आपको मीठी मीठी सी मुँह में उल्टी, वॉमिटिंग, ऐसी वॉमिटस आ रहा हो और आप उससे परेशान हो रहे हो, तो आयरिस वर आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है आपके आपके पैनक्रियाटाइटिस में और आपकी जलन यानी एसिडिटी में। एक सिम्टम होता है साथियों पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट में कि उनका स्टूल चिकनाई युक्त होता है,
तो अगर कोई पेशेंट है और उसके स्टूल में ऑयली है, ग्रीसी है और पेट छूने से भी उसको दर्द हो रहा है, यह स्थितियां अगर हैं तो उस स्थिति को ठीक करने की, उसके स्टूल को ठीक करने की और उसके पैनक्रियाटाइटिस को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है फॉस्फोरस। आप फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर उस स्थिति में या उस तरह के मरीज को दे सकते हैं कि जब उसका स्टूल जो है चिकनाई युक्त हो, उसको वॉमिटिंग भी आ रही हो और स्टूल बहुत फ्रीक्वेंट हो और उसके शरीर में जलन हो रही हो, अगर यह सिम्टम्स हैं और शाम के वक़्त उसकी तकलीफ बढ़ रही हो, तो अगर यह सिम्टम्स हैं तो आपका ड्रग ऑफ द चॉइस फॉस्फोरस है। आप फॉस्फोरस लेके अपने पैनक्रियाटाइटिस को ठीक करने का एक प्रयास कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों कि आपको अचानक वॉमिटिंग और डायरिया हो गया हो, तो अगर वह स्थिति आप में हो कि आपको अचानक वॉमिटिंग और डायरिया होने लगा हो, सडन होना लगा हो और वह शाम के वक्त ज़्यादा होता हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा कोनियम है। आप कोनियम मैक्यूलेटम 1 mg पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। आप देखेंगे कि यह जो सडनली आपके वॉमिटिंग या डायरिया हो गया यह ठीक हो जाएगा और आपके जो अचानक के पेन और क्रैम्प्स उठने लगे स्टमक में यह भी ख़त्म हो जाएंगे और आपका पैनक्रियाटाइटिस भी ठीक होने में इस दवा से बहुत मदद मिलेगी। ये साथियों को दवाएं थी पैनक्रियाटाइटिस को ठीक करने की। आपके पेट में जो अपर एब्डोमेन में भयंकर दर्द होता है उससे आपको निजात देने की, इन सिम्टम्स के माध्यम से साथियों कोशिश करी है आपके सवाल का जवाब देने की। जो सवाल आपके मन में अपनी तकलीफ को लेके उठते हैं उसके निदान के रूप में आपको जवाब देने का प्रयास किया है। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप YouTube नोटिफिकेशन पैनल में लिखकर या हमारा WhatsApp नंबर जो नीचे नोटिफिकेशन पैनल में लिखा है उस पर अपनी क्वेरी को WhatsApp करके आप हमसे सवाल का जवाब ले सकते हैं, क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको साथियों यह प्रयास पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब आपने करा होगा अन्य साथियों को सब्सक्राइब करने को प्रेरित कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके सबसे पहले हमारा सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतनी देर साथ रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।